हेलो दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ऑर्थोग्राफी टू आइसोमेट्रिक व्यू बनाने बताऊंगा कि किस तरह बनाए जाते हैं। ये हमारा ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन है जिससे हमें बनाने हैं, आइसोमेट्रिक व्यू में हमें बनाने हैं। तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हमें किन चीज़ की आवश्यकता होती है, सेट स्क्वायर की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे ये सेट स्क्वायर है, ये हमारे सेट स्क्वायर की जरूरत होती है, एक पेंसिल और इरेजर और शार्पनर का, ये इन चीज़ की आवश्यकता होती है ड्राइंग बनाने के लिए। चलिए देखते हैं आइसोमेट्रिक व्यू किस तरह हम बनाना बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए देखते हैं, ये हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है जो कि हमारा दिया हुआ फ्रंट व्यू, साइड व्यू दिया हुआ है और टॉप व्यू दिया हुआ है। तो हमें आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हमें बेस की आवश्यकता होती है। जब भी हम बनाएंगे एक बेस होना चाहिए और एक लाइन होनी जो हमें उस लाइन पर बनाती है। चलिए देखते हैं, सेट स्क्वायर लेंगे। जो ये सेट स्क्वायर होगा ये सपोर्टिंग का काम करेगा। पहले तो दो लाइन खींचेंगे, दो लाइन खींचने के बाद हम ड्राइंग को बनाते हैं। चलिए एक लाइन बनाते हैं जो कि इसी पर आइसोमेट्रिक व्यू बनेगा, और एक लाइन जो बनेगा हमारा वो हल्की लाइन रहेगा और ये भी हल्की लाइन रहेगी, और ये हमारा सपोर्टिंग के लिए होगा जिसे इसको सपोर्ट करके हम किसी भी आइसोमेट्रिक लाइन को खींचने के लिए हम प्रयोग करते हैं। चलिए ये हो गया हमारा सेट स्क्वायर। अब हमें बनाने के लिए किसी एक बिंदु की आवश्यकता होती है, तो हम एक बिंदु यहाँ से ले लेते हैं और फिर हम डायग्राम पर चलते हैं। तो डायग्राम पर पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि हमारा फ्रंट व्यू किस साइड पर है और साइड व्यू किस साइड पर है। आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हमें एक बेस की आवश्यकता होती है, उसी बेस के आधार पर हमारा सारे लाइन चलते हैं और डायमेंशन के हिसाब से हम चलते हैं। अगर डायमेंशन के हिसाब से नहीं चलेंगे और फिगर के हिसाब चलेंगे तो आपका ड्राइंग गलत हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, बेस हमारा फ्रंट व्यू लेफ्ट हैंड साइड में है और साइड व्यू राइट हैंड साइड है, तो हमारा फ्रंट जो बनेगा वो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा और साइड व्यू राइट हैंड साइड बनेगा। तो हमें फ्रंट व्यू बनाने के लिए पहले बेस लाइन, ये कितने की दिया है, डायमेंशन ही कोई हिसाब से चलेंगे, ये हमारा जो दिया है 50 mm दिया है और साइड व्यू दिया है 35 mm, और ये जो एक लाइन है एक ही लाइन पर हमारा ये दोनों लाइन रहेगा। तो पहले हम बेस से देखते हैं, ये लाइन देखते हैं, पहले ये लाइन देखते हैं और ये लाइन देखते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ फ्रंट व्यू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 50 mm और ये राइट हैंड साइड में 35 mm। चलिए देखते हैं, और ये कितना दिया है, इसकी लंबाई 20 mm। चलिए देखते हैं, ये हम इस बेस पर रख लिए। इस बेस पर रखने के बाद हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं एकदम हल्के हाथ से, सारा भी जो इतना बनेंगे फिर बाद में डार्क कर लेंगे। एक इस तरह लाइन खींचते हैं, लाइन खींचने के बाद यहाँ से हमारा जो हो जाएगा ये कितना था 35 mm, और इसी को हम क्या करते हैं इस तरह घुमा देते हैं और इसी बिंदु पर हम कुछ इस तरह से घींच देते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर 35 mm ये हमारा 35 हो गया, बिंदु लगा लेते हैं और ये हमारा 50 इधर से हो जाएगा। ये बिंदु फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें ये लाइन देखनी होगी, ये इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट 20 है तो इसका हाइट भी 20 होगा और साइड का भी हाइट 20 होगा, यानी इन चारों लाइन का सेम डायमेंशन होगा। तो पहले हम बाहरी लाइन का डायमेंशन देते हैं, चलिए देखते हैं बाहरी लाइन का डायमेंशन देते हैं। तो हमारा ये हो गया 20, पहले इसको खींच लेते हैं, ये लाइन हो गया। तो हम यहां से क्या करते हैं, 20 ये हमारा 20 हो गया, बिंदु गिन लेते हैं और ये
हमारा mm। खींचने के बाद हम क्या करते हैं, फिर इसी लाइन को हम इस पर मिलाते हैं, इस बिंदु से इस लाइन पर हम मिला देते हैं। ये हमारा मिल गया। इसके बाद पिन हम देखेंगे, यहां से ये हमारा 20 हो गया और ये हमारा 20 हो गया। 20 होने के बाद फिर हम इसकी लंबाई देखते हैं, तो इसकी लंबाई हमारा टॉप व्यू में दिख रहा है, टॉप व्यू में हमें ये दिख रहा है। टॉप व्यू के बाद फिर इसकी लंबाई हमें यहाँ से मिल जाएगी, इसकी लंबाई जो इसकी लंबाई है यहाँ पर दिया हुआ है और इसकी लंबाई है ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले खींच लेते हैं। यहाँ से दस, यहाँ से ये दस हो गया। दस होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से अब देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई 17 है, तो हम इसकी लंबाई लेफ्ट से राइट तरफ खींचते हैं और फिर इसको हम मिला देते हैं। चलिए देख लेते हैं, इसकी लंबाई 17 15 16 17 यानी ये होगा, हो गया। बिंदु लगा दिए, बिंदु लगाने के बाद फिर हम क्या देखते हैं, ये हमारा 17 हो गया। अब हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई हमारा टॉप व्यू में दिया हुआ है, ये कितना दिया है, यहाँ से हमारा 27 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 27, यानी ये जो ऊपर से दिखाया गया हिडन लाइन ऊपर दर्शाया गया है, तो ये हमारा जो 27 है ये दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, दस 20 27 10 20 25 26 27 ये 27 हो गया। 27 होने के बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम आपस में मिला देते हैं। बस डायमेंशन हिसाब चलिए आपको पता चल जाएगा, इन दोनों को हम मिला दिए। मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, इन सारे लाइनों को जो हल्की लाइन है वो हम इरेज कर देते हैं और इसको हम मिटा देते हैं। ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, ये देखिए, बस हम खाली ये बना है और इधर का ये बना है। देखिए इधर का ये बना है और इधर का ये बना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आपको इसी तरह डायमेंशन के हिसाब चल रहे हैं। फिर हमें क्या देखना है, फिर हमें अब टॉप व्यू देखना है। तो टॉप व्यू हमें देखिए ये गैप दिख रहा है, यानी ये जो है जो ऊपर का एरिया बना है ये गैप है, यानी हमारा जो भी है वो 10 mm ऊंचाई पर है, यानी हमारा ये जो 10 mm है ठीक इसी के ऊपर हमारा 10 mm ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, ये भी 10 mm में रहेगा, ये हमारा 5 mm में रहेगा, ये 5 mm में रहेगा।
फिर इसके बाद हम क्या करते हैं इसी को आगे की तरफ हम कर देते हैं। फिर यहां से 10 mm नाप लेते हैं, 10 mm ये हमारा 10 mm है। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं उसको खींच लेते हैं। कुछ इस तरह आएगा और इसके बाद ये जो 5 mm है हम इसी पर मिला देते हैं कुछ इस तरह से। ये कुछ इस तरह से मिल गया हमारा जो भी होगा। अब ये इस तरह हमारा बन गया। अब जब ये अब ये हमें बनाने हैं। अब ये हमारा बन गया नीचे का, अब हमें ऊपर का बनाना है। तो चलिए देखते हैं। अब ऊपर से हम देखते हैं ऊपर का हमारा 10 mm है, यानी हमारा जो बनेगा ये 1 mm छोड़ के यहाँ से 10 mm और यहाँ से 10 mm, देखिए यहाँ से 10 mm ऊपर जाएगा और यहाँ से 10 mm ऊपर जाएगा और यहाँ से 10 mm, यानी जितने भी पीछे के पॉइंट बने हुए हैं सब 10 mm हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम फिगर देखते हैं। देखिए यहाँ से 10 mm ऊपर ले गया है और यहाँ से हमारा 10 mm ऊपर ले गया है। इस कॉर्नर से ये जो 5 mm का गैप दिया यहाँ पर, देखिए 5 mm दिया ना, ये 5 mm गैप छोड़कर फिर हमारा 10 mm ऊपर की तरफ गया है। चलिए देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं इसको क्या करते हैं 10 mm ऊपर की तरफ ले जाते हैं, इसको भी 10 mm ऊपर की तरफ ले जाते हैं, इसको भी हम 10 mm की तरफ ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाने के बाद हम क्या करते हैं 10 mm नाप लेते हैं। एक्यूरेट एक जन नाप ये आराम से दोनों तरफ बन जाएगा। 10 mm ये हो गया, तो हम क्या करते हैं इसको हम इस साइड में ला दिए। इसको हम इस साइड मिला दिए। मिलाने के बाद हम क्या करते हैं तो इसको भी मिला ही देते हैं, इसको भी हल्के लाइन से इस तरह, और इस लाइन को कुछ इस तरह से। फिर क्या करते हैं हम इस लाइन को जो एक्स्ट्रा लाइन निकला है हम उसे इरेजर से मिटा देते हैं। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ इस तरह से इसको 10 mm नीचे की तरफ निकालना है और इसे मिला देना है। मिलाने के बाद हमें इसमें मिला देना है। तो चलिए देखते हैं। दस एम एम नीचे रहेगा और इस पॉइंट को काटेगा, इसी पॉइंट को हमारा काटेगा। काटने के बाद हम क्या करते हैं इस वाले पॉइंट को इसमें मिला देते हैं। ये कुछ इस तरह से हमारा दिखेगा। फिर हम क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं। इस वाला गैप को मिटा देते हैं क्योंकि हमारा फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम यहाँ से फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये चीज नहीं दिखेगा, ये लाइन दिखेगा, ये लाइन दिखेगा। जब भी हम बनाएंगे ये बनाएंगे और ये बनाएंगे तो हमें आगे की तरफ ये घसक कर मिल जाएगा, यानी ये बनाएंगे और ये बनाएंगे। हमारा फ्रंट व्यू देखिए बनकर तैयार हो गया। और साइड व्यू का देखेंगे तो हमें ये पार्शन दिखेगा और ये पार्शन दिखेगा, ये गैप दिखेगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर गैप दिख रहा है। तो आपको ध्यान में रखकर हुए आपको बनाने हैं। इसको बनाने के बाद आपको सारे लाइनें आपको डार्क कर देने हैं। चलिए डार्क कर देते हैं। फिर इसके बाद हम कुछ इस तरह से डायमेंशन दे देते हैं। डायमेंशन देने के बाद आइसोमेट्रिक व्यू लिख देंगे। आइसोमेट्रिक व्यू लिखने के बाद आप इसे 5 mm में लिखें। आइसोमेट्रिक व्यू आपको पूरे डायमेंशन देंगे, 20 यहाँ दिया हुआ है, इसका 10 दिया हुआ है, इसका 25 दिया हुआ है, इसका 45, कुछ इस तरह से आप डायमेंशन दे सकते हो। आपको 50, आपको ऐसा ना हो कि ये
ये इसी लाइन में, ये जो डायमेंशन होगा ये इसी लाइन में होता है, ऐसा ना हो कि आप ऐसे लगा ऐसे करके इसमें ऐसे दे दे, ये आपको गलत हो जाएगा। सेम इसी लाइन के पैरेलल ही आप ये जो डायमेंशन बनेगा आप इसी तरह बनाने की कोशिश करें। फिर इसके बाद बनाने के बाद ये लाइन होगा, जो ये लाइन आप मिटा दीजिए, जो ये लाइन है इसे आप मिटा दीजिए और ये लाइन रहने दीजिए। ऐसे पता चलेगा एग्जामिनर कि हाँ आपने सेट स्क्वायर की मदद से ही बनाया है। और देखिए अगर ये मैं स्केल से खाली बनाता तो ये एक्यूरेट इस तरह नहीं बनता, हल्का सा तिरछा या टेढ़ा कुछ बन जाता। ये सेट स्क्वायर से बनाया गया है तो आपको सेम इसी तरह बनाना है तो फुल मार्क्स मिलने की चांस अधिकतर बने रहते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह और भी वीडियो ड्राइंग का लेकर आता रहूंगा।